कर रहे हैं। हमारे लेसन का नेम क्या है? लिटिल ग्रेन्स ऑफ राइस, मींस चावल के छोटे दाने। ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग देखेंगे, ठीक है? देखिए आप लोग इधर वर्ड मीनिंग। ग्रेन्स मींस अनाज, राइस मींस चावल, किंग मींस राजा, नेग्लेक्टेड मींस नजरअंदाज करना, यूजफुल मींस यूजली मींस क्या करना, आमतौर पर, है ना। अमाउंट मींस रकम, इन्वेंटेड मींस आविष्कार, अल्टरनेटिव मींस बारी बारी से जिसका नंबर आता है, फैसिनेटेड मींस मोहित करना, एडवाइजर मींस सलाहकार, स्क्वायर मींस वर्ग, मॉडरेट मींस उदारवादी, कमेंट मींस टिप्पणी करना, रिप्लाई मींस उत्तर देना, मिनिस्टर मींस मंत्री, क्वांटिटी मींस मात्रा और कैलकुलेशन मींस गणना करना, किसी भी चीज की गिनती करना। अब हमारा लेसन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 4 में जो आपको यहाँ पर वार्म अप दे रखा है ये हम आपको पीडीएफ में भेजेंगे। हम पहले लेसन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? हमारा लेसन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर लिटिल ग्रेन्स ऑफ राइस मींस चावल के छोटे दाने, ठीक है? अब आप अपनी बुक में देखिएगा, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट हाउ चेस वॉज इन्वेंटेड, मींस ये क्या है, एक चेस बोर्ड का आविष्कार किया गया है और यहाँ पर जो एक स्टोरी में जो कहानी है वो किस पर है, एक चेस बोर्ड पर है, ठीक है? अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। किंग कैट वॉज नॉट अ बैड किंग बट ही वॉज नॉट वेरी गुड ईदर, द निग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग विद डाइस विद हिज कंट्रीज। क्या हुआ, एक राजा था, वो बहुत, कौन सा राजा था, वो राजा के, राजा का नाम क्या था, राजा के, है ना। वो क्या था, हमेशा अपना केसर ना बहुत ज़्यादा अच्छा था ना बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन वो अपना सारा समय किस में बिताता था, पासा खेलने में, है ना। ही डिड नॉट यूजली विन एंड वेन एवर ही लॉस्ट द कंट्रीज ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑन पीसेज ऑफ लैंड। और वो क्या करता था, जब वो कभी भी जीतता ही नहीं था, हर चीज में हार जाता, जब भी वो खेलता था खेल उसमें वो हार जाता था। और क्या करता था, जब वो हार जाता था तो बदले में क्या करता था, वो उसे जो भी राशि वो मांगते थे थोड़ी बहुत दे देता था। अब क्या हुआ, द किंग फॉर दैट ही वॉज नॉट लॉस्टिंग मच बीट बट सरप्राइज ऑनेस्ट काउंटर थॉट और अदरवाइज टू प्रूव हिज पॉइंट सासा इन्वाइटेड अ गेम फॉर द किंग। अब जो एक ईमानदार क्या था, वहां पर एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, सासा नाम था उसका, उसने क्या किया कि एक चेस बोर्ड का आविष्कार किया और राजा को इस खेल के लिए उसने इन्वाइट किया। इट वॉज अ बोर्ड गेम, ये क्या था, एक बोर्ड गेम था। आपने देखा पिक्चर में देखा आपको, एक बोर्ड है उस पर और खेलने के लिए ये बोर्ड है ना, एक जो गेम था ये बोर्ड का था। बोर्ड है 64 स्क्वायर एंड द अल्टरनेटिंग वंस वेयर ब्लैक एंड द अदर वेयर वाइट, इट आल्सो हैड 16 ब्लैक एंड 16 वाइट पीसेस। अब आप देख रहे हैं इसमें 16 स्क्वायर का एक बोर्ड था, उसमें वाइट और ब्लैक कलर के स्क्वायर बने हुए थे, ठीक है, और उसमें नंबर हम अपनी बारी बारी से चलना था। इट इन ईच कलर देयर वाज अ किंग अ क्वीन एडवाइजर एंड सोल्जर एंड द गेम रिप्रेजेंटेड अ वॉर इज इन रियल लाइफ। अब ये क्या था, एक रियल लाइफ का अपना उसका एक पार्ट था जिसमें वो ये अपने राजा मंत्री रानी और इन सब की सामने वो खेल रहा था। द किंग वाज फिनिश्ड बाय इज इट ही सेड टू सासा, आस्क फॉर एनी रिवार्ड यू लाइक यू शॉल हैव इट। अब उसने क्या कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुमने इतना अच्छा तुमने ये खेल बनाया है बताया है, तो इसमें अगर तुम जीतते हो तो तुम क्या मांगना चाहते हो, वो मांगो। ही रिप्लाइड सासा, उसने सासा ने उत्तर दिया, इफ अ प्लेसेस यू कुड गिव मी टू ग्रेन्स ऑफ राइस फॉर द फर्स्ट स्क्वायर ऑन माई चेस बोर्ड। उसने कहा मैं जब चेस बोर्ड पर जो चला हूँ तो पहले जब मेरी बारी आई है तो मैं जब एक बार उस पर चलूंगा, मतलब खुद भी वो गोटियाँ ऐसे खेलते हैं, तो जब मैं उसमें एक बार चलूंगा तब मुझे क्या चाहिए, चावल के दो दाने चाहिए, टू लिटिल ग्रेन राइस, है ना। उसने क्या कहा मुझे चावल के दो छोटे दाने चाहिए। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, द फर्स्ट स्क्वायर ऑन माई चेस बोर्ड प्लस 4 फॉर द सेकेंड, और जब मैं दूसरी बार चलूँ तब क्या प्लस 16 फॉर द थर्ड, और जब मैं तीसरी बार चलूँ तो 256 फॉर द फोर्थ, और जब मैं चौथी बार चलूँ तब मुझे इतने चाहिए, एंड सो ऑन अप इन टू द 64 स्क्वायर, और 64 स्क्वायर उसका मुझे वर्क लगा कर देना, ये
each time getting the square of the number in the square before it. और इस तरह से मुझे उससे ज्यादा उसके ऊपर जितने भी स्क्वायर लगते जाएंगे इतना उसका मुझे दोगुना चावल के दाने चाहिए, बस उसमें और कुछ नहीं है। That's a very moderate comment. The king अब राजा को इस चीज से बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि बस तुम्हें ठीक है हम दे देंगे सर रिपील शासन। अब शासन ने क्या कहा, फिर से उत्तर दिया आई वॉन्ट नथिंग मोर। द किंग ऑर्डर अ मिनिस्टर टू गिव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रेन टू शासन। क्या करा उन्होंने मंत्री को कहा कि जाओ तुम जाकर इसके लिए चावल के दाने लेकर आओ। द नेक्स्ट डे द मिनिस्टर कम बैक टू हिम। अब राजा ने क्या, वो जब उसको ऑर्डर दिया मंत्री को और जब दूसरे दिन मंत्री नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन वो मिनिस्टर मीन्स मंत्री वापस आया। सर वी कैन नॉट गिव शासन द ग्रेन्स, हम इतने अनाज हमारे यहाँ पर नहीं है। वी जस्ट डू नॉट हैव द अमाउंट ऑफ ग्रेन, जो इन्होंने इतना अमाउंट जो बताया है उतना तो हम नहीं दे सकते। इट इज अ ट्रेमेंडस क्वांटिटी, इट वॉल वेल एज सच मसा हिमालय एंड इट विल कॉस्ट 50 करोड़ रुपीस। उसने कहा इसका जो वजन है वो हिमालय के बराबर है और इसका कितने करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपीस है इसका तो प्राइस चावल का। द मिनिस्टर कन्विंस्ड द किंग दैट दिस कैलकुलेशन वेर करेक्ट। उसने और भी गणना की उन्होंने, मतलब और भी बार बार गिनती की तो इतना ही निकल रहा और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये बिल्कुल सही मामला है। द किंग सेंट फॉर शासन, इट सीम्स आई जस्ट डू नॉट हैव द अमाउंट ऑफ प्राइस दैट यू आस्क फॉर दैट शॉल आई डू फॉर यू नाउ। अब उन्होंने क्या कहा, उसने बुलाया शासन को और कहा उन्होंने कि हम तुम्हें इतना अनाज नहीं दे सकते, हमारे पास इतना अनाज नहीं है जितना तुमने मांगा है, तुमने तो सिर्फ दो चावल के दाने दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता गया, उन्होंने जब कहा कि मैं पहली बार चलूंगा तब इतने, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, अब वो 64 टाइम चला और उसका स्क्वायर कर लिया उन्होंने तो कितना हो गया, इतना जाता जितना वो दे नहीं सके। राजा ने बुलाकर कहा कि बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। द किंग वॉज प्लेस्ड विद शासन, और शासन ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे कुछ नहीं चाहिए। ही मेड शासन, उन्होंने क्या कहा उससे, सॉरी यहाँ पे ही आस्क के बाद में हमारे यहाँ रह गया था सर, रिप्लेस शासन। अब जो उन्होंने उत्तर दिया शासन है, आई विड्रॉ माई रिक्वेस्ट, आई मेड इट ओनली टू शो यू नाउ सिंपली स्मॉल अमाउंट कैन एड अप टू एन इंग्लिश फिगर योर गेम्स वेयर रनिंग द किंगडम। उसने राजा से क्या कहा कि मुझे तुम्हारे राज्य से कुछ नहीं चाहिए, आप क्या करिए कि मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आप जो भी अमाउंट देते हैं आप हारते हैं और अपना सारा जो अपना जो शासन है आपका, जिसमें आपको एक राजा और एक शासक को और आप सारा समय इस तरह के पासा और ये खेल खेलने में और अपने धनराशि में खर्च करने में लगा देते हो, इसलिए मैं तो बस आपसे ये कह रहा था कि आप ये ना करें। द किंग वॉज प्रेजेंट विद शासन, शासन ने उसको इस तरह से उत्तर दिया, ही मेड शासन हिज प्राइम मिनिस्टर एंड शासन हेल्प हिम रूल सिंधु भी एफिशिएंसी। अब उसने क्या कहा कि मैं, राजा ने उसको क्या कहा, उसके उस बात से बहुत खुश हो गए और उन्होंने राज्य का क्या कर दिया और उन्होंने उसको मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दिया और वो उनके वहाँ के जो नियम है रूल से वो उनको बताने लग गया और शासन अच्छी तरह से चलने लग गया। तो इस तरह से एक ही राजा की स्टोरी थी, इसमें उसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ राजा को ये समझाने के लिए एक चेस बोर्ड का निर्माण किया। आप देख रहे हैं पिक्चर में ये चेस बोर्ड दिख रहा है, आप लोग भी चेस खेलते हो ना, मीन्स शतरंज, चेस बोर्ड में शतरंज है ना, उसमें कितनी 16 और 16 कितनी लेते हैं वो ब्लैक और व्हाइट कलर का जो स्क्वायर बने होते हैं उसमें इतनी वो जो आपकी गोटियाँ रहती है उससे वो खेलते हैं। इस तरह से उन्होंने राजा को ये खेल सिखाया बताया, उसका आविष्कार किया, उसमें राजा हारे, उन्होंने दो दाने मांगे चावल के, उसके बाद और इतने उसका स्क्वायर इतना हो गया कि राजा नहीं दे पाया। तो फिर राजा से उन्होंने कहा कि मैं आपको वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि कैसे इस तरह से आप अपने राज्य में आप उतना शासन कर रहे हैं, पूरा समय खेल में और इस तरह बिताते हैं और अपनी धनराशि ऐसे वेस्ट कर देते हैं। और इस तरह से राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हो गया और उसने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इस तरह से हमारी ये स्टोरी एंड होती है। आपको अच्छी लगी ये स्टोरी, आपको समझ में आई, वेरी गुड, थैंक यू क्लास। आप ये वर्ड मीनिंग की हेल्प से अच्छी तरह से लेसन